नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। एक शायर था, कई हजार फिल्मी गाने जिसने लिखे, लेकिन वो खुद अपने गानों को नौटंकी कहता था। सियासत के साथ 36 के आंकड़े ने उसे जेल भी पहुंचाया, लेकिन मार्क्स और लेनिन को पढ़ने वाले इस शायर ने राजनीतिज्ञों के आगे क्षमा नहीं मांगी, सियासतदानों के आगे झुका नहीं। वो हमारे आज के नायक और ये शायर थे मजरू सुल्तानपुरी। मजरू मतलब घायल, और शायर के इसी घायल दिल से निकले थे वो शब्द जो अमर हो गए। नायक, नायक। दुश्मनों की दोस्ती है अब अहले वतन के साथ, है अब खिजा चमन में नए पहरन के साथ। मजरू काफिले की मेरी दास्ता ये है, रहबर ने मिलके लूट लिया राहजन के साथ। बताएंगे आपको कि कैसे एक डॉक्टर से शायर बन गए मजरू सुल्तानपुरी, और वो कौन सा लिखा हुआ उनका मशहूर गाना था जिसे अपने जनाजे पर बजवाना चाहते थे केएल सहगल साहब। कैसे नेहरू जी की शान में पढ़ गए कुछ ऐसा शेर मजरू सुल्तानपुरी कि पहुंच गए जेल, लेकिन क्षमा नहीं मांगी फिर भी। और कैसे मुश्किलात के दिनों में राज कपूर ने की मजरू सुल्तानपुरी की बड़ी खास मदद। होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेम। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी की। मशहूर शायर एवं गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब का असली नाम था असरारुल हसन खान। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में हुआ था। पिता उनके पुलिस विभाग में उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर थे। मजरू ने दरसे निजामी का कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी पद्धति की डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। फिर हकीम के तौर पर वह काम करने लगे, लेकिन यह काम उन्हें ज्यादा रास नहीं आया, क्योंकि बचपन से ही शौक और दिलचस्पी शेर व शायरी में थी। जब भी मौका मिलता था वह मुशायरों में शिरकत करने पहुंच जाते। अपना तखल्लुस उन्होंने मजरू रख लिया था। यह सम्मान सिर्फ और सिर्फ मजरू सुल्तानपुरी को हासिल है कि वह भारतीय सिने इतिहास के पहले गीतकार बने जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। मजरू साहब एकमात्र ऐसे गीतकार हैं जिनके नगमे फिल्मी पर्दे पर केएल सहगल से लेकर सलमान खान तक ने गुनगुनाए। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना जब दिल ही टूट गया, केएल सहगल साहब को इतना पसंद था कि वह चाहते थे कि वो गीत उनके जनाजे में बजे। आगे बताऊंगा कि इतने लोकप्रिय शायर जिन्होंने इतने हजारों गाने लिखे, आखिर क्यों फिल्मों में गीत लिखना नहीं चाहते थे। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर गीतकार शायर मजरू सुल्तानपुरी की। तो मजरू सुल्तानपुरी ने अपने जीवन में 4000 से ज्यादा गाने लिखे। उनकी शेर और शायरी, उनके लिखे हुए गीत बहुत मशहूर हुए। बहुत सम्मान, नाम और दौलत उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी को बख्शी। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण मजरू सुल्तानपुरी फिल्मों में गाने नहीं लिखना चाहते थे। हकीमी का काम तो उन्होंने छोड़ दिया था, मुशायरों में जाने का इतना शौक था क्योंकि उनको। एक ऐसे ही मुशायरे में उनकी मुलाकात मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी से हुई। 1945 में जब मजरू साहब एक मुशायरे में भाग लेने बम्बई पहुंचे थे, तभी उनकी मुलाकात AR कारदार से भी हुई, जो बड़े जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे। कारदार साहब उनकी शायरी पर फिदा हो गए। उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी से अपनी फिल्म में गाने लिखने की पेशकश की, लेकिन मजरू साहब ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वो फिल्मों के लिए गीत लिखने को अच्छा नहीं मानते थे। जब मजरू साहब ने ये बात जिगर मुरादाबादी के साथ शेयर की, तो जिगर मुरादाबादी ने उन्हें सलाह दी कि वे फिल्मों के लिए गाने लिखें, इससे उन्हें शोहरत के साथ साथ दौलत भी हासिल होगी और साथ ही अच्छी शेर व शायरी
आम लोगों तक भी पहुंचेगी। मजरू सुल्तानपुरी को जिगर मुरादाबादी की ये बात पसंद आ गई और फिर उन्होंने फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया। मशहूर संगीतकार नौशाद साहब ने मजरू सुल्तानपुरी को एक धुन सुनाई और फिर उस धुन पर गीत लिखने के लिए कहा। मजरू साहब ने उस धुन पर गेसु बिखराए बादल आए झूम के गीत लिखा। इससे नौशाद साहब बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी अगली फिल्म शाहजहां के लिए गाने लिखने की पेशकश कर दी। 1946 में रिलीज हुई फिल्म शाहजहां और उसका एक गाना जब दिल्ली टूट गया तो फिर जीकर क्या करेंगे बेहद लोकप्रिय हुआ। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम मशहूर शायर गीतकार मजरू साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की। तो क्यों एक बार बांस का बहुत बड़ा कलम बनवा लिया मजरू सुल्तानपुरी जी ने और क्यों जाना पड़ा उन्हें जेल एक मर्तबा। ये जश्न आजादी के दौर की बात है। शहर शहर गांव गांव आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। खुद मजरू सुल्तानपुरी ने सन 1947 में प्रगतिशील लेखकों के साथ मिलकर आजादी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर नाचते हुए बहुत ऊंचा बांस का कलम बनाया, क्योंकि बकौल मजरू सुल्तानपुरी, आजाद मुल्क में सबसे ज्यादा जरूरी है कलम की आजादी। शोषितों के लिए धड़कने वाले मजरू सुल्तानपुरी के दिल ने हमेशा शोषित वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए अपनी आवाज बुलंद की। और एक दिन मजदूरों की एक सभा में मजरू सुल्तानपुरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर ही एक शेर जड़ डाला। सुना दिया ये शेर। मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने ना पाए, अमन का झंडा इस धरती पर किसने कहा लहराने ना पाए, ये भी कोई हिटलर का है चेला, मार लो साथी जाने ना पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथी जाने ना पाए। नेहरू और खादी के खिलाफ लिखे हुए इस गीत ने उस दौर के राजनीतिज्ञों को आग बबूला कर दिया। उस समय मुंबई के तत्कालीन गवर्नर थे मोरारजी देसाई, उन्होंने आदेश दिया और मजरू सुल्तानपुरी पहुंच गए आर्थर रोड जेल। फिर उनसे कहा गया कि वो उस गीत के लिए माफी मांगे, लेकिन अपने इरादों पर यकीन रखने वाले मजरू सुल्तानपुरी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और 2 साल तक सलाखों के पीछे रहे। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर शायर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब की। तो कैसे मजरू सुल्तानपुरी जी ने इनकार कर दिया राज कपूर से मदद लेने से, और फिर भी कैसे बहाने से राज कपूर ने की मदद अपने इस दोस्त और महान शायर की। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जिस समय मजरू सुल्तानपुरी जेल में अपने दिन काट रहे थे, उनके काम नहीं कर पाने की वजह से, जेल में रहने की वजह से परिवार की माली हालत काफी खराब हो गई थी। राज कपूर ने उनकी सहायता करनी चाही, लेकिन मजरू साहब एक खुददार इंसान थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन राज कपूर जैसा नर्म दिल इंसान, बड़े दिल वाला और यारों का यार, इतने अच्छे शायर के परिवार को ऐसी तंगी में जीवन जीते कैसे देख सकता था। राज कपूर ने अब दूसरी तरकीब निकाली और जेल में मजरू साहब को संदेश भिजवाया कि उन्हें एक गीत लिखना है राज कपूर की एक फिल्म के लिए, और वो गाना मजरू साहब के अलावा और कोई नहीं लिख सकता। तरकीब काम आ गई, मजरू साहब मान गए और लिखा उन्होंने वो यादगार गाना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। इस गीत के एवज में राज कपूर ने उन्हें 1,000 रुपए दिए। लगभग 2 साल तक जेल में रहने के बाद मजरू सुल्तानपुरी ने एक बार फिर जेल से छूट नए जोश के साथ काम करना शुरू किया। आगे बताऊंगा कि क्यों प्यार हो गया मीना कुमारी को अपने पिता के मित्र कमाल अमरोही से, और उस प्रेम में मजरू सुल्तानपुरी साहब की क्या भूमिका थी।
कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर शायर, गीतकार, द वन एंड ओनली मजरूह सुल्तानपुरी साहब की। तो मीना कुमारी को कैसे हो गया इश्क अपने पिता के दोस्त कमाल अमरोही से, और इस दास्तान में मजरूह सुल्तानपुरी साहब की क्या भूमिका थी, ये किस्सा सुनाए आपको। उससे पहले मजरूह साहब की लिखी कुछ पंक्तियों पे गौर कीजिए आप। जफा के जिक्र पे तुम क्यों संभल के बैठ गए, तुम्हारी बात नहीं बात है जमाने की, गमे हयात ने मजबूर कर दिया वरना थी आरजू की तेरे दर पे सुबह शाम करें, सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चराग जहां तलम ये सितम की सिया रात चले। ऐसे और दर्जनों शेर हैं जिनका जिक्र यहां हो सकता है, लेकिन इन चंद पंक्तियों से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि मजरूह साहब की कलम में इश्क की आग भी थी तो जिंदगी की उलझनों से जूझने की चाह भी। यह उनकी शायरी का ही असर था कि कच्ची उम्र की मीना कुमारी अपने से काफी बड़े उम्र में कमाल अमरोही साहब के प्रेम में गिरफ्तार हो गई। अमरोही मीना कुमारी के पिता के मित्र थे। मीना कुमारी को शुरू से ही शायरी का बेहद शौक था। इसी सिलसिले में कमाल अमरोही साहब ने उनकी शायरी ठीक करने की तजबीज के तहत एक शेर लिखकर दिया था। यह शेर जैसे मीना कुमारी का जीवन मंत्र बन गया। कमाल अमरोही साहब ने तजबीज या सलाह स्वरूप जो शेर भेजा था उसकी पंक्तियां कुछ इस तरह थीं। देख जिंदा से परे जोशे जुनून जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। ये मजरूह सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ शेर था जिसने मीना कुमारी को खुले आकाश में आजाद उड़ने का सपना दिखाया। लेकिन ये सपना और फिर उस सपने को साकार करने का हौसला मीना कुमारी तक पहुंचा कमाल अमरोही साहब के जरिए। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर गीतकार, शायर, द वन एंड ओनली मजरूह सुल्तानपुरी साहब की। तो कैसे सम्मान और पुरस्कारों की भी जब बात आती है तो मजरूह सुल्तानपुरी साहब इतनी लंबी लकीर खींच के गए हैं कि उसके करीब पहुंचना भी सबके लिए आसान नहीं है। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए 1993 में पहली बार किसी गीतकार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। 1964 में आई फिल्म दोस्ती के गानों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने 40 साल से भी ज्यादा लंबे अपने सिने कैरियर के दौरान 300 फिल्मों के लिए करीब 4000 गीत लिखे। उनके गाने केएल सहगल साहब से लेकर खान तिकड़ी तक पर फिल्माए गए हैं। बहुत ही दिलचस्प, रोचक और प्रेरणादायक जीवन जिया मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। कैसे यूनानी डॉक्टर बने लेकिन शायरी के शौक ने गीतकार बना दिया उन्हें। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री आ गए। पहले फिल्मों के लिए गाने नहीं लिखना चाहते थे लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब के कहने पर एक बार लिखना शुरू किया तो फिर हजारों सदाबहार गाने लिख डाले। कैसे नेहरू जी के खिलाफ ही शेर पढ़ डाला एक मुशायरे में और माफी नहीं मांगी, 2 साल जेल में रहना मंजूर किया। तो ये थे हमारे आज के नायक, मशहूर शायर, गीतकार, मजरूह सुल्तानपुरी साहब। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर एवरीवन।